एमसीक्यूज क्वेश्चन, हिंदी करंट अफेयर क्विज, जीके क्वेश्चंस, आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में, डेली करंट अफेयर में। डेट 32-31 मार्च 2020। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। ये जो क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बैंक एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। कल का सवाल, किस आईआईटी ने लॉकडाउन के समय छात्रों के लिए प्रोजेक्ट इसाक को लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने और आईआईटी गांधीनगर ने। तो इसका आंसर है आईआईटी गांधीनगर ने प्रोजेक्ट इसा को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के समय छात्रों के समय का सही प्रयोग करके उनके कौशल को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों को मोहर लगाने के लिए किस शाही का उपयोग करने का फैसला लिया था? तो अमीट शाही है, फॉस्फोरिक शाही है और चुनावी शाही है, तीनों मिलके जो जो भी शाही है उन सबका यूज़ कर सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार कोविड-19 के कारण कितने मिलियन नौकरियां जाएगी? 25 मिलियन नौकरियां जाएगी। हाल ही में भारत के किस शहर में सबसे पहले कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। किस राज्य में कोविड-19 के इलाज के लिए देश के 2 सबसे बड़े अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा में। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है? तो वो है गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, एनटीपीसी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? 2 कंपनी है, टीएचडीसी और एनडब्ल्यूपीसीओ का अधिग्रहण किया है। किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस की 5 मिनट की पुष्टि करने वाली टेस्ट किट को लॉन्च किया है? तो उसने अमेरिका ने किया। किस शहर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों को रोबोट द्वारा मुहैया करा रहा है? तो वह है जयपुर। किस समिति ने वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? तो शिल्पा शेट्टी ने। कुरिल द्वीप समूह के 7.5 तीव्रता भूकंप आया है, कुरिल द्वीप और किस देश के बीच में है? वो है जापान के। आज का क्वेश्चन डेली करंट अफेयर, निम्न में से कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने के वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, इटली या फिर भारत? तो इसका आंसर है इंडिया, मतलब भारत है, डी। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, इससे भारत के को कोरोना वायरस को समझने में मदद मिलेगी। हाल ही में किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की? केरल ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने या उड़ीसा ने? तो इसका आंसर है उड़ीसा ने इसकी पहल की है। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और फैलने से रोकने के लिए मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की है? सीमा सुरक्षा बल ने, सशस्त्र सीमा बल ने, भारतीय सेना ने या फिर भारतीय तटरक्षक ने? तो इसका आंसर सी, भारतीय सेना ने। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने देश भर में अब तक 8 संगरोधक सुविधाएं स्थापित की है। सेना के जवानों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित की है। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं को शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? झारखंड ने, दिल्ली ने या उत्तर प्रदेश ने या फिर उड़ीसा ने? तो इसका आंसर है झारखंड ने। झारखंड ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को वितरण के लिए कार्यरत लोगों के ई पास जारी किया है। उसने प्रोग्राम नाम का एक ई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। देश कोरोना वायरस के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित करने और अपलोड करने के बाद जिला परिवहन अधिकारी के पास जारी करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका ने 50 वर्ष से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार अपने मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया है? अमेरिका के, चीन के, इटली के, भारत के? तो उसका नाम है भारत के। उसका रीजन है कोरोना वायरस।
इसकी स्थापना 1970 में भारतीय अमेरिका प्रकाशक गोपाल राजू द्वारा की गई थी। इस अखबार के मुख्य रूप से भारतीय समाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता था और इसे कोरोना वायरस के चलते इसे बंद कर दिया गया है। किस राज्य ने 30 मार्च को अपना राज्यत्व दिवस मनाया है? राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने? तो राजस्थान ने। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लोगों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। यह फसल की दृष्टि से सबसे बड़ी राज्य लगेगा। कोविड-19 के चलते अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 1.9, 2.0 या फिर 2.5 या फिर 2.9 मिलियन डॉलर की घोषणा की? तो इसका आंसर है 2.9 मिलियन की घोषणा की है। हाल ही में दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप को झेल रही है, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की 2.9 मिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की। अमेरिका ने दुनिया के 64 देशों को 174 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। किस IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है? मिर्जा वहीद को, जोया अख्तर को, किरण देसाई को या सविता छावड़ा को? तो इसका आंसर है जोया अख्तर, मतलब बी। ये सम्मान उनको उनके भारतीय फिल्म जगत के लिए किए गए योगदान को देखते हुए दिया गया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस फंड की स्थापना की है? पीएम केयर की, पीएम हेल्प की या फिर पीएम किसान की या पीएम आशा की? तो इसका आंसर है पीएम केयर्स की। जिसके बाद 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। इस ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और उसके सदस्य में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं? ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के, जापान के? तो ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित हो पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और लेकिन उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ने के साथ साथ वे सरकार की जिम्मेदारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निभाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।